ने बदल दिया बिहार का सियासी मिजाज। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने थामा भाजपा का हाथ। बहुत जल्द बिहार के बेटे को मिल सकती है बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी। आखिर किसके कहने पर मनीष कश्यप ने लिया इतना बड़ा फैसला? बिहार के बेटे मनीष कश्यप ने चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने का फैसला लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था। अब एक बार फिर सन ऑफ बिहार ने अपने नए कदम से सभी को चौंका दिया। रातों रात मनीष कश्यप ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसके बाद सियासी गलियारों में और बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। बीते दिनों मनीष कश्यप बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ दिल्ली पहुंचे, तभी से ही लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच आज आखिरकार मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने की खबर इस वक्त चारों तरफ सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पहले बिहार से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। इसी बीच मनीष कश्यप ने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो क्लिप को देख लीजिए जिसमें मनीष कश्यप को बीजेपी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है और शामिल किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिरी समय में किसके कहने पर मनीष कश्यप ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। दरअसल इसका जवाब सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर है जिसमें मनीष कश्यप अपनी मां के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी कार्यालय की तस्वीर को भी गौर से देखा जाए तो उसमें भी नजर आ रहा है कि मनीष कश्यप अपनी मां की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। वहीं उनके मां के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के अनुसार उनकी मां की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी तरफ सवाल उठता है कि मनीष कश्यप ने एक तरफ निर्दलीय मोर्चा खोल दिया चुनाव लड़ने का, तो अब क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? तो जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप की तरफ से चुनाव को लेकर अब तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। इस पर अभी भी सवाल ही है, क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। आखिरी सवाल कि बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देगी, इस बात पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब फिलहाल नहीं मिल सका है। बस सूत्रों की माने तो इतना पता चल सका है कि मनीष कश्यप को बीजेपी जल्द ही एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में सौंप सकती है और इसके लिए मनीष कश्यप को बेहतर समझा जा रहा है। अब तक जो पहलू सामने आ रहे हैं उसके अनुसार भाजपा मनीष कश्यप के कंधों पर बिहार में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी डालने वाली है। अब देखना होगा कि बिहार के बेटे के चाहने वाले और समर्थकों को क्या कुछ नया देखने सुनने को मिल सकता है और आने वाले समय की तस्वीर क्या कुछ कहती है और कौन से नए कदम से मनीष कश्यप और सभी को चौंका सकते हैं। वही एक और बात जानकारी के लिए बता दें कि मनीष कश्यप पहले जहां पश्चिमी चंपारण सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल को निर्दलीय चुनौती देने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक से मनीष कश्यप ने अपने प्लान में यू टर्न ले लिया है और इसका असर भी बिहार की राजनीति पर पड़ेगा।